गाइस, किसी ने बहुत ही सही बात कही है। सड़कों का सन्नाटा देखकर अब ऐसा महसूस होने लगा है कि कुदरत नाराज तो है हमसे। मेरा नाम है हामिद और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक हामिद यूट्यूब चैनल में। गाइस, बहुत टाइम बाद इस चैनल पर एक वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है उन लोगों से जिनको लगता है कि हमारे सड़क पर घूमने से, रोड पर टहलने से कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। गाइज़, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो अपने घर में रहें और बाहर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी निकलें, क्योंकि कोरोना वायरस, यार इसके बारे में मैं क्या बताऊँ। हर एक बंदा तो इसके बारे में जानता है, लेकिन फिर भी हम वो गलतियाँ कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी है। आपकी एक गलती पूरे आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, आपके शहर के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो गाइज़, मैं न्यूज़ देखा करता हूँ और सोशल मीडिया पर भी ज़्यादातर एक्टिव रहता हूँ। मैंने जर्मनी, इटली और हर जगह की वीडियोस देखी। इतना बुरा हाल है कि लोग अपने परिवार के जो लोग जिनकी कोरोना वायरस की वजह से डेथ हो गई है, उनको जो है ना ले करके नहीं जा रहे हैं, वो रोड के किनारे पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि सेना बुलानी पड़ रही है शवों को ले जाने के लिए। यार, हम इंडियंस इस बात को सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हमारे यहाँ पर होगा। नो डाउट हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं गाइस, जब तक कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट हमसे बोलेगी नहीं तब तक कि हम जो है ना घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही आप बाहर जाएं, और इसका ख्याल भी हमारी गवर्नमेंट ने रख रखा है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, मेडिसिंस की ज़रूरत है, सब्जियों की, किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, उसके लिए शॉप्स वगैरह खुल रही हैं, तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और एक बहुत ज़रूरी बात है, वो ये है कि आप ध्यान रखें। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा बंदा है जो कि मजदूरी करता है या उसको जो है ना प्रॉब्लम है खाने की, तो आप बिल्कुल जाएं, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इस बात का हम ख्याल रखें और उसके खाने का इंतज़ाम करें। ये हमारी भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम इस देश के नागरिक हैं और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो है ना ये सारे काम करें और गवर्नमेंट को पूरी तरह से हम सपोर्ट करें। गाइज, इसी के साथ मैं बोलना चाहता हूँ, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर के अंदर रहें, बाहर ना निकलें। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय। Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.